न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। धौलपुर में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ चलती कार में गैंगरेप की वारदात से हड़कंप मच गया। पीड़िता की पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई है। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के धौलपुर में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ चलती कार में 7 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक नाबालिग घर से सब्जी लेने बाजार गई थी। वहां एक बाइक सवार युवक उसके पास आया और कहा कि मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ, चलो घर छोड़ देता हूँ, जिस पर वह उसकी बाइक पर बैठ गई। बाइक सवार जब उसे गलत रास्ते से ले जाने लगा तो उसने पूछा यह कौन सा रास्ता है। इस पर उसने कहा कि यह रास्ता भी तुम्हारे घर जाता है। कुछ दूर जाने के बाद बाइक सवार ने नाबालिग को कार सवार युवकों के हवाले कर दिया। चलती कार में युवकों ने उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। सुबह करीब 4 बजे आरोपी नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर बसेड़ी क्षेत्र के भूतेश्वर मंदिर के पास छोड़ गए। घर पहुंचकर नाबालिग ने परिजनों को आपबीती सुनाई। बेटी की बात सुनकर माता पिता के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत ही थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल करवाया और गैंगरेप का मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के धौलपुर में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ चलती कार में 7 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक नाबालिग घर से सब्जी लेने बाजार गई थी। वहां एक बाइक सवार युवक उसके पास आया और कहा कि मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूं। चलो घर छोड़ देता हूं, जिस पर वह उसकी बाइक पर बैठ गई। बाइक सवार जब उसे गलत रास्ते से ले जाने लगा तो उसने पूछा यह कौन सा रास्ता है। इस पर उसने कहा कि यह रास्ता भी तुम्हारे घर जाता है। कुछ दूर जाने के बाद बाइक सवार ने नाबालिग को कार सवार युवकों के हवाले कर दिया। चलती कार में युवकों ने उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। सुबह करीब 4 बजे आरोपी नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर बसेड़ी क्षेत्र के भूतेश्वर मंदिर के पास छोड़ गए। घर पहुंचकर नाबालिग ने परिजनों को आपबीती बताई। बेटी की बात सुनकर माता पिता के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत ही थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल करवाया और गैंगरेप का मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने में जुट गई। संबंधित खबरें, 9वीं की स्टूडेंट से गैंगरेप, मुंह में कपड़ा ठूस कर रूम में कर देते थे बंद, बाजार से उठाकर ले गए थे आरोपी। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं।